सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बम्बलबी मूवी के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर की स्पिन ऑफ मूवीज की शुरुआत हो चुकी है, जिनमें से सबसे पहली मूवी आएगी बम्बल बी की, और उस फिल्म का नाम है बम्बल बी द मूवी। वेल, इसके पहले उसका एक ऑफिशियल लोगो भी आया था जो कुछ इस तरीके का था। साथ ही साथ इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो लीड एक्टर में है जॉन सीना। बाकी के सभी एक्टर्स इतने खास नहीं है, सिर्फ खास है तो इस फिल्म के डायरेक्टर, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ट्रेविस नाइट। और अब इस फिल्म को लेकर अपडेट ये आया है कि इस फिल्म का फर्स्ट लुक आ गया है। जी हाँ, जो है इस फर्स्ट लुक में हम बम्बलबी के न्यू लुक को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये मूवी 80s पर जाएगी, ये फिल्म उसके भी पहले की होगी, लेकिन इस मॉडल को देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ ये वॉल्सवैगन का VW बीटल मॉडल है जो 1987 में ही आया था। तो मेरे हिसाब से जो फिल्म का स्टार्ट का सीन दिखाया जाएगा, जैसे कि 60s के टाइम का, तो वो फिल्म का स्टार्ट का सीन होगा। उसके बाद की मूवी पूरी 80s में ही दिखाई जाएगी। और जो बम्बलबी के साथ खड़ी है उस एक्ट्रेस का नाम है ग्रेसी, जिन्होंने अब तक सिवाय टीवी शोज के अलावा मूवीज में काम नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से ये इनकी एक पहली मूवी है। और बात करें बम्बलबी की इस कार की, तो ये कार हमने ट्रांसफॉर्मर के एनिमेटेड शो में भी देखी थी जो शोज 80s में आते थे। वैसे इस मॉडल को देखकर मुझे ट्रांसफॉर्मर 1 की याद आ गई, जिसमें सैम अपने फादर के साथ में जाकर कार खरीदता है उस गैरेज में। वहाँ पर भी उस कार के बाजू में यही बीटल कार खड़ी होती है, तो शायद ये मूवी एंड होते होते ट्रांसफॉर्मर 1 से कनेक्ट हो जाए, अब ऐसा मेरा मानना है। तो अब वेट करते हैं 21 दिसंबर 2018 का, जब ये फिल्म रिलीज होगी तो हमें इस फिल्म को लेकर ज्यादा डिटेल जरूर मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।